सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो आई होप आप लोगों ने कल जो ओनली पर वीडियो हमने अपलोड किया था टीटा गेनर का, देख लिया है आपने। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, राइट, ताकि आपको एक्जैक्टली पता चल जाए कि स्ट्रेटजी एक्चुअली में क्या है। एंड वन मोर थिंग, आप ये जो कल मैंने ओनली पर वीडियो अपलोड किया था उसके अगर आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे वीडियो का, तो आपको वहाँ पर जो सारी की सारी लिंक्स है स्ट्रेटजी की एंड जो शेयर कोड है वो आपको मिल जाएगा। सो ओरिजिनली मैंने इसको लिमिट ऑर्डर पे कोड किया था, जिसके अंदर क्या होगा कि ट्रेडट्रॉन आपका जो ब्रोकर टर्मिनल है वहाँ पर पहले लिमिट ऑर्डर प्लेस करेगा एंट्री एग्जिट सब के लिए, एंड कुछ टाइम के लिए वो वेट करेगा। या तो वो लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर वो मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देगा। लेकिन कुछ लोगों को उसके अंदर काफ़ी बड़े स्लिपेज की डर था कि उसमें काफ़ी बड़ा स्लिपेज आ सकता है अगर मार्केट वो जो कुछ देर के लिए लिमिट ऑर्डर वेट करने वाला था मार्केट ऑर्डर के पहले, उस दिन में उस टाइम के अंदर अगर मार्केट ने काफ़ी ट्रेंडिंग मूव दे दिया तो आप बड़ा स्लिपेज आ सकता है, ऐसा लोगों को डर था। तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने उसी सेम स्ट्रेटजी का मार्केट ऑर्डर प्लेस करें इस तरह का एक वर्जन बना दिया है। तो आप चाहो तो ये भी डिप्लॉय कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग में या लाइव ऑफलाइन में दोनों सेम वर्क करेंगे। लाइव ऑटो अगर आप कर रहे हो तो फिर दोनों में डिफरेंस आपको पता चलेगा। एंड अगर कोई चाहता है, सपोज उनको स्ट्रेटजी डिप्लॉय नहीं करनी है लेकिन सिर्फ उसका ट्रेड्स देखना है, तो आप ये शेड कोड की हेल्प से वो देख सकते हो, राइट, ये शेड कोड है उसके लिए। एंड काफ़ी बार क्या होता है, मैंने यहाँ पर अपना मेल आईडी दिया हुआ है लेकिन ये जो मेल आईडी है वो सिर्फ पर्सनलाइज किसी का कोई रिक्वायरमेंट है, लाइक स्ट्रेटजी क्रिएशन मुझसे करवाना है या फिर कोई स्ट्रेटजी उनको सीखना है मेरे से जो भी मैंने अपलोड किया है, या फिर उनका कोई स्ट्रेटजी है उसका कोड अगर सीखना है, या फिर उसको कोई डाउट है एंड उसको कोई स्ट्रेटजी अपना है उसके अंदर करेक्शन करवाना है, सो ये कोई भी पेड सर्विसेज है वो आप मुझे मेल कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपको प्रीमियम मेरी हेल्प चाहिए सो आपको मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करना पड़ेगा, राइट। मुझे मेल पे ये अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करना है या फिर कोई स्ट्रेटजी अपलोड करनी है, या फिर अगर आपका कोई मेरा ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है उसका डाउट है वो आपको मेरे से करेक्ट करवाना है, सो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे उसका मैसेज भेजिए। उसका रीज़न क्या है कि उसका जवाब मैं आपको देने की ट्राई करूंगा तो उससे जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स है उन सबको हेल्प मिलेगी, राइट। सो इस तरह की कोई भी चीज़ है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करिए, एंड अगर आपको मेरा पर्सनलाइज कोई भी हेल्प चाहिए तो ही आप मुझे मेल कीजिए। तो चलिए अभी कोड समझने की स्टार्ट करता है। मैंने आप अच्छे से देख सकते हो मैंने इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया था, एंड मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी वाली जो है उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आप चाहो तो इसके अंदर निफ्टी भी ऐड कर सकते हो सेट नंबर 2 में, राइट। यहाँ से आप एक और सेट ऐड कर दो एंड फिर यहाँ पर आप निफ्टी वाला जो भी है पैरामीटर्स यहाँ पर डाल दो सेट 1 से कॉपी एंड पेस्ट करके, राइट। एंड मैंने जो कोड किया है, मैंने जो आपको लिंक दिया है वो मैंने थोड़ा और शॉर्टकट तरीके से कोड किया है, लेकिन अगर मुझे 10,000 से अप व्यूज आते हैं इस वीडियो में ये जो सीरीज है थीटा गेनर वाली, तो फिर मैं अगर लोगों की रिक्वेस्ट है तो मैं वो कोड शेयर करूँगा। अगर लोगों को इंटरेस्ट नहीं है जानने में तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कोड शेयर करने में, क्योंकि वो जो मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ जो चीज़ें सिखा रहा हूँ थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें, फिर भी अगर लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है मेरे ख्याल से। ये तो वही बात हो गई, लोग बोलते हैं कि फ्री कैम ज्ञान की कोई वैल्यू होती नहीं है, राइट। सो एनी वाइज चलिए आगे बात करते हैं। सो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो मैंने वर्जन 1 नाम इसलिए दिया है इसको, बिकॉज इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही आपकी हेज स्ट्राइक एंड सोल्ड स्ट्राइक दोनों सेम हो जाएगी आप स्ट्रेटजी में से एग्जिट कर जाओगे। अगर आप लोग जो मैंने शेयर कोड दिया है उसको फॉलो कर रहे होंगे तो एक बार ये हुआ था अभी कुछ दिन पहले, मार्केट ने काफ़ी एक ट्रेंडिंग मूव दिया था एंड आपकी जो हेजिंग वाली जो स्ट्राइक थी जो सोल्ड स्ट्राइक थी दोनों सेम हो गई थी एंड स्ट्रेटजी लूपिंग में चली गई थी अगर आपको पता होगा, राइट। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने ये कंडीशन ऐड कर दी है कि जैसे ही हेज एंड सोल्ड स्ट्राइक दोनों सेम हो जाएगी तो आप टोटली एग्जिट कर जाओगे। उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी है, राइट। तो अगर मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग है तो फिर इसको एडजस्टमेंट करते रहने का कोई मतलब है नहीं, आपको प्रॉफिट मिलने का चांसेस काफ़ी कम होगा उस टाइम पे। हाँ, अगर ट्रेंडिंग मूव के बाद एक काफ़ी बड़े टाइम के लिए मार्केट अगर रेंज में चला जाएगा एंड आपका जो वॉल क्रॉस हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉफिट हो सकता है। सो उस तरह के सिचुएशन में आप मैन्युअली भी थोड़ा सा जजमेंट ले सकते हो एंड स्ट्रेटजी अगर एग्जिट हो गई है तो उसको मैन्युअली भी आपको चाहिए तो वापस रीएक्टिवेट कर सकते हो, आपके ऊपर है। सो दूसरा जो वर्जन 2 मैंने बनाया है अभी जो टेस्टिंग चल रहा है उसका, उसके अंदर हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे लेकिन अगर ये दोनों स्ट्राइक सेम हो गई तो फिर हम लोग हेज जो है उसको वापस से थोड़ा फार ओटीएम बाय कर लेंगे, राइट, अभी से। सो इस तरह का कुछ एडजस्टमेंट करने का प्लानिंग है वर्जन 2 में। सो अगर वो टेस्टिंग वर्जन 2 का सक्सेसफुल रहता है तो फिर मैं उसका भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा लिंक। कोड करूँ या ना करूँ मुझे पता नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मोस्टली लोगों को कोई इंटरेस्ट है नहीं सीखने में, सिर्फ लिंक चाहिए सब लोगों को। सो शायद एक दो वीडियो अभी और मैं ओनली कोड का डालूंगा, इसके बाद शायद मैं कोड देना बंद कर दूंगा। बिकॉज अगर मैं देखूँ जितने भी इस निफ्टी एक्स की तरह कोई भी प्राइवेट चैनल्स है जो कि ट्रेडट्रॉन पे वीडियो बना रहे हैं, वो लोग काफ़ी बेसिक लेवल का एंड काफ़ी अधूरा नॉलेज दे रहे हैं, फिर भी उसके अंदर 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख जितने व्यूज आ रहे हैं, आई डोंट नो। एंड हम लोग यहाँ पर आपको प्रॉपरली मेथड बाय मेथड सिखा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर हार्डली 100 200 300 व्यूज़ है। सो ये मेरा टाइम का वेस्टेज मेरे को लग रहा है अभी तो।
सो शायद ऐसा हो सकता है कि अभी एक दो वीडियोस में और डालूं जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है, उसके बाद मैं ओनली पर वीडियोस बंद कर दूंगा, सिर्फ आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करके उसका लिंक दे दूंगा। अगर किसी को डिप्लॉय करना है तो करे, ना करना है तो ना करे, ठीक है। सो चलिए इसका कोड समझ लेते हैं एक बारी। एक बार आप स्ट्रेटजी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना, आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन अगर नहीं आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है स्ट्रेटजी, तो सो ये वाली कंडीशन क्या करेगी कि आप 3:19 तक आप ट्रेड लोगे, राइट। अगर आपने स्ट्रेटजी रीएक्टिवेट भी की है मैन्युअली, सो 3:19 तक वो ट्रेड ले सकती है फर्स्ट ट्रेड, राइट। उसके बाद वो ट्रेड नहीं लेगी। एंड यहाँ पर ऑल ऑल काउंट ऑफ निफ्टी बैंक इक्वल टू 0, यानी कि ये आपका इस काउंटर का फर्स्ट ट्रेड होना चाहिए स्ट्रेटजी का, राइट। लोग इसके अंदर एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये जो ऑल ऑल काउंट है वो डे वाइज वर्क करता है, सो ऐसा नहीं है, ये काउंटर वाइज वर्क करता है, राइट। सो सपोज आपने आज 9:30 को स्ट्रेटजी एक्टिव की थी एंड उसी दिन आप 10 उसको एग्जिट कर देते हो, एंड वापस अगर उसको रीएक्टिवेट उसी दिन करते हो तो उसका जो काउंटर है वो 1-2 हो जाएगा, काउंटर चेंज हो जाएगा यूनिवर्सल एग्जिट के बाद। सो फिर भी ये वर्क करेगा क्योंकि ये नए काउंटर का फर्स्ट ट्रेड है, राइट। सो इस तरह से अगर आप मैन्युअली एंट्री एग्जिट करते रहते हो तो सेम डे भी वो वर्क करता है। सो बेसिकली ये काउंटर वाइज वर्क करेगा, डे वाइज वर्क नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप आज के दिन का आपका एक ट्रेड हो गया एंड आपने स्ट्रेटजी को एग्जिट किया यूनिवर्सल एग्जिट के बाद, अगर वो वापस आप उसको रीएक्टिवेट करते हो सो वर्क नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। सो ये आपका एंट्री कंडीशन है बेसिकली, आपको 3:19 तक ही ट्रेड लेना है, फर्स्ट ट्रेड की बात कर रहे हैं हम लोग। एंड यहाँ पर मैंने टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं डाला एंट्री टाइम, बिकॉज अगर आप जानते हो तो मैंने यहाँ पर एडवांस सेटिंग के अंदर मैंने टेक ट्रेड्स, सो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट कंडीशन चेक आफ्टर एक्सचेंज ओपन उसका 2 मैंने रखा है। सो ये 9:17 के बाद ऑटोमेटिकली ट्रेड लेने वाला है, राइट। सो ये बेसिकली आपका एंट्री आपको कब लेना है, वो कब स्टार्ट करना है उसका टाइमिंग है। सो 9:15 को आप जानते हो मार्केट ओपन होता है, सो उसके 2 के बाद यानी कि 9:17 के बाद ये ट्रेड लेना स्टार्ट करेगा। एंड इसका जो लास्ट कंडीशन चेक है वो बिफोर एक्सचेंज क्लोज, तो 5 के पहले ये लास्ट कंडीशन चेक करता रहेगा। सो 3:25 तक ये लास्ट कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक करना बंद कर देगा एंड फिर वापस दूसरे दिन 9:17 से वो कंडीशन चेकिंग का स्टार्ट करेगा। सो ये आपका एंट्री कंडीशन हो गया। एंड अगर जैसे ही आपका एंट्री कंडीशन होता है आपको क्या बेसिकली मैंने यहाँ पर 0.03 डेल्टा रखा है, आप अपने हिसाब से कोई भी स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकते हो हेज बाइंग के लिए। सो 0.03 डेल्टा वाला कॉल एंड 0.03 डेल्टा वाला पुट दोनों बाय कर लेगा, राइट। पुट के लिए आपको माइनस रखना होगा डेल्टा के वैल्यू में। फिर आ जाओ आप यहाँ पर रिपेयर वंस पे। सो जैसे ही आपका अभी ये फर्स्ट काउंट नहीं है, राइट, ऑल ऑल काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो ये आपका फर्स्ट काउंट नहीं है, ऑलरेडी एक ट्रेड हो गया है, लेकिन आपका जो सेलिंग वाला सब काउंट है ऑल काउंट इज इक्वल टू 0, यानी कि अभी भी बाइंग हो गया है, सेलिंग अभी तक इस काउंटर के अंदर नहीं हुआ, सेलिंग का फर्स्ट ट्रेड अभी तक नहीं हुआ। सो ये दोनों कंडीशन ये डिनोट करते हैं, राइट। सो बेसिकली हमको क्या करना है, एक बार हेज बाय हो जाए बाद में ही हमें सेलिंग लेग में एंटर करना है। सो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होता है आप लोग 0.2 डेल्टा वाला कॉल एंड 0.2 डेल्टा वाला करंट वीक का ही पुट आपको सेल करना है यहाँ से कंडीशन बिल्डर से, राइट। पुट के अंदर आपको माइनस यूज करना पड़ेगा। सो अभी बेसिकली आपके एंट्री कंडीशन में से हेज बाय किया, रिपेयर वंस में से आपने स्ट्रेंगल सेल कर दिया 0.2 डेल्टा वाला, सो यहाँ तक का स्ट्रेटजी कंप्लीट हो गया। सो जैसे ही आपका रिपेयर वंस एग्जीक्यूट हो जाएगा आपको रन टाइम वेरिएबल के अंदर कुछ चीजें स्टोर करने लिए, राइट। जैसे कि रन टाइम के अंदर आपको कॉल एंड पुट के जो स्ट्रेंगल की स्ट्राइक्स है, सो इनकी स्ट्राइक्स आपको स्टोर करनी है, राइट। फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट है यानी कि वो कौन सी स्ट्राइक के है, कौन सी एक्सपायरी वाले है वगैरह वगैरह, सब ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्टोर हो जाएगा। इनके अंदर इंस्ट्रूमेंट में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसकी, सिर्फ स्ट्राइक नहीं, वो कौन सी एक्सपायरी का वर्क है, कौन सा अंडरलाइंग है वगैरह सब कुछ। सो आपको इंडिविजुअली स्ट्राइक भी स्टोर करनी है, उसका इंस्ट्रूमेंट भी स्टोर करना है एंड आपका जो एंट्री प्राइस है वो भी आपको स्टोर करना है ये सेट वन के रिपेयर वंस में। एंड साथ में आपने जो ये हेज बाय किए थे उसकी भी स्ट्राइक्स आपको स्टोर करनी है ताकि आपको चेक करने में आसानी हो कि आपकी जो ट्रायंगल की स्ट्राइक्स है एंड जो आपकी हेजिंग वाली जो स्ट्राइक्स है वो दोनों सेम अभी तक हुई है कि नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको हेज वाली स्ट्राइक भी इसके रिपेयर वंस के अंदर आपको स्टोर करनी है, राइट। तो ये आप लोग कैसे करोगे, सो आपका जो रिपेयर वंस है उसका रन टाइम है वहाँ पर आप जाके यहाँ से ऐड कर सकते हो आपको जो भी नाम देना है एंड फिर आप यहाँ पर एफएक्स में जो भी वैल्यू डालोगे वो उसको स्टोर कर लेगा। सो मैंने सीईएस एंड पीएस नाम दिया है स्ट्रेंगल का जो कॉल इनपुट का स्ट्राइक है उसके लिए। सो बिकॉज ये आपका रिपेयर वंस है सो यहाँ पर मैंने रिपेयर वंस सिलेक्ट किया है, उसका स्ट्राइक निफ्टी बैंक अंडरलाइन आपका एंड 111, राइट। सारी बेसिक चीज़ें आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें नहीं पता तो, राइट। सो ये आपका 112 जो लेख था वो पुट का था, सो रिपेयर वंस स्ट्राइक निफ्टी बैंक 112। सेम वे में मैंने इंस्ट्रूमेंट को भी स्टोर कर लिया, ये आपका प्राइस का है सीपी यानी कि आपका जो एंट्री प्राइस है, लेकिन हमने रिपेयर वंस में से एंट्री ली है सो ये आपका रिपेयर वंस प्राइस की तरह स्टोर होगा। बेसिकली आपका स्ट्रेंगल का एंट्री प्राइस है कॉल एंड पुट का, राइट, 111 एंड 112। सेम वे इंस्ट्रूमेंट मैंने स्टोर किया है सी एन पी, आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो आपके ऊपर है।
फिर वही नाम सारी की सारी स्ट्रेटेजी में आपको यूज करना पड़ेगा। सो आपको याद रखना पड़ेगा आपने क्या नाम से इसको स्टोर किया है। सो आपका ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट आपने स्टोर कर लिया, कौन सा कॉल है, उसकी एक्सपायरी क्या है, उसका अंडरलाइन वगैरह वगैरह सब कुछ इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट। सो 111 कॉल के लिए एंड 112 पुट के लिए, अभी आप लोग देख सकते हो। एंड फिर यहाँ पर मैंने सी एच एंड पी एच, एच मीन्स हैज, वो मैंने स्टोर कर लिया। हैज हमने बाय किया था एंट्री कंडीशन में से, तो यहाँ पर आएगा एंट्री का स्ट्राइक निफ्टी बैंक एंड 112 यानी कि कॉल की हैज वाली जो स्ट्राइक है वो, एंड 112 एंट्री का यानी कि पुट की जो भी आपकी हैज की स्ट्राइक है। सो बेसिकली मैंने ये सारी की सारी चीज़ स्टोर कर ली रन टाइम के थ्रू। सो इसका क्या मतलब है, अभी मैं अगर कहीं भी स्ट्रेटजी में सी एस एंड पी एस ये डालूंगा रन टाइम के अंदर, तो मुझे वो स्ट्राइक की वैल्यू फेच करके देगा। इस तरह से ये वर्क करता है बेसिकली। आप कुछ वीडियोस देख लीजिए अगर आपको ये सब भी नहीं पता। तो अभी रिपेयर वंस मुझे सिर्फ वन टाइम एंट्री करना था बिकॉज ये फर्स्ट एंट्री के लिए है, तो उसके बाद मुझे रिपेयर वंस यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद सारी की सारी जो कंडीशन होगी एडजस्टमेंट के लिए, वो सारी की सारी रिपेयर कंटिन्यूस से होगा, राइट। सो आपका आरओ खत्म हो गया, एंट्री खत्म हो गया, अभी हम लोग चल रहे हैं रिपेयर कंटिन्यूस की तरफ। सो आपका एंट्री खत्म, आपका रिपेयर वंस भी हो गया। सो अभी बात करेंगे रिपेयर कंटिन्यूस की। सो अभी फर्स्ट रिपेयर कंटिन्यूस क्या करेगा, आप यहाँ पर पोजीशन डिलीवर देख सकते हो, हम लोग पुट बाय कर रहे हैं, जो भी हमारा पुट की जो स्ट्राइक थी जो हमने सेल की थी उसको हम लोग बाय कर रहे हैं। सो ये हमें कब बाय करनी थी, सो जैसे कि आप लोग जानते हो, अगर अभी हम लोग स्ट्रैंगल के अंदर है, सो ये आपका स्ट्रैंगल का कंडीशन हो गया, जहाँ पर आपका जो कॉल की स्ट्राइक है वो पुट की स्ट्राइक से ज़्यादा है, यानी कि अभी आपका स्ट्रैंगल एक्टिव है ट्रेड में, अभी वो स्ट्रैडल में कन्वर्ट नहीं हुआ। सो अगर आपका स्ट्रैंगल चल रहा है अभी ट्रेड में, सो अगर कॉल का एसएल हिट हो जाता है तो आपको पुट एग्जिट करना है, राइट। बेसिकली आपको जो पुट रनिंग होगा उसके अंदर प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है इन शॉर्ट। सो अगर स्ट्रैंगल चल रहा है अभी, सो ये स्ट्रैंगल के लिए कंडीशन डाला है मैंने, तो आपको कॉल का एसएल हिट होता है तो आपको पुट में से एग्जिट कर जाना है, ये पोजिशन बिल्डर में से रिपेयर कंटिन्यूस वन। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इफ करंटली वी आर इन स्ट्रैंगल, अगर हम लोग अभी स्ट्रैंगल में है एंड अगर आपका कॉल का एसएल हिट हो जाता है, सो आपको पुट को एग्जिट कर देना है। सो रिपेयर कंटिन्यूस फर्स्ट में से आप पुट एग्जिट कर रहे हो, राइट। काफ़ी इजी है, इसके अंदर कुछ है नहीं। एंड अगर आप अभी सपोज आपका कॉल का स्ट्राइक पुट के स्ट्राइक से कम या उसके जितना हो गया, सपोज अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 45,000, आप मान लो अभी जो आपने कॉल सेल किया है वो है सपोज 45,000 स्ट्राइक वाला, एंड अगर आपका पुट का जो स्ट्राइक है वो हो गया है 45,100 का पुट, सो ये आपका क्या हो गया, या तो इसको आप इन्वर्टेड स्ट्रैंगल बोल सकते हो बिकॉज ये आपका आईटीएम इन द मनी हो गया, तो यहाँ पर भी ये कंडीशन टू होगा, एंड आपका जो पुट का स्ट्राइक है वो कॉल के स्ट्राइक से ज़्यादा हो गया, या फिर अगर आपका पुट भी 45,000 पे चल रहा है सो ये स्ट्रेडल हो गया, राइट। सो अगर ये स्ट्रेडल है या फिर अभी इन्वर्टेड स्ट्रैंगल बन गया है एडजस्टमेंट के बाद, सो ये उसके लिए है, राइट। सी एस इज लेस देन और इक्वल टू पी एस। सो अगर ये सिचुएशन हो गई है हम लोग अभी स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल में, तो फिर आपको पुट के ही एसएल पे आपको पुट एग्जिट करना है। सो बेसिकली उस टाइम पे आपको जो लॉस मेकिंग लेग है उसको एग्जिट कर देना है, विच विल बी पुट, एंड आपका एसएल है यहाँ पर 25% का। अभी आप चाहो तो इसको 35, 30, 40 कोई भी एसएल आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड एसएल जो नॉर्मली लोग लेते हैं वही लिया है 25% का एसएल। सो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, अगर हम लोग स्ट्रैंगल में थे तो आपने कॉल के एसएल हिट होने में पुट एग्जिट किया था, तो अभी हम लोग अगर स्ट्रैंगल में है या फिर इन्वर्टेड स्ट्रैंगल में है, यानी कि आईटीएम हो गया है कोई एक आपका स्ट्राइक या दोनों स्ट्राइक, सो आपको पुट के एसएल हिट होने पर ही पुट को एग्जिट करना है, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। एंड दूसरी एक बात, वो तो ऑब्वियस है कि आपको पुट एग्जिट करना है, सो अभी पुट ट्रेड में होना तो चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डाला है दैट आपकी जो पुट की नेट क्वांटिटी है शुड बी इक्वल टू आपका अभी बैंक निफ्टी का ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम एंट्री 111, यानी कि आपका बैंक निफ्टी का अभी जो ऑप्शन है उसका जो लॉट साइज होगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है -1 से, विच कम्स -15, एंड इनटू मल्टीप्लायर भी आपको यूज करना है। सो -15 इनटू मल्टीप्लायर, अगर आप 2x 3x पे रन कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली 30-45 से उसको काउंट करेगा। सो अभी नेट क्वांटिटी -15 इनटू मल्टीप्लायर है, यानी कि अभी पुट ट्रेड में एक्टिव है तो आपको इसको एग्जिट करना है बेसिकली। अगर वो ऑलरेडी उसकी नेट क्वांटिटी जीरो है पुट की, तो उसको एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं है। ये आपको इसलिए यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज रिपेयर कंटिन्यूस कंडीशन जो है वो काफ़ी ट्रिकी है, अगर आपका एक भी छोटी सी मिस्टेक है, राइट, तो आपका लूपिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा स्पीड में। सो वो प्रिवेंट करने के लिए मैंने ये कंडीशन डाला है। सो यहाँ पर मैंने एंड यूज़ किया है, यानी कि ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू होनी चाहिए, आपका पुट है वो उसकी नेट क्वांटिटी ऑलवेज -15 इनटू मल्टीप्लायर होना चाहिए। एंड यहाँ पर मैंने और यूज़ किया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो,
सो या तो फिर ये कंडीशन ट्रू होती है तो भी चलेगा, या फिर इसके नीचे वाली ये कंडीशन ट्रू होती है तो भी चलेगा, दैट अगर स्ट्रेंगल है तो ये वाली कंडीशन, अगर स्ट्रेंगल है तो ये वाली कंडीशन, राइट? इट्स वेरी इजी एक्चुअली। सो जैसे ही आपका ये कंडीशन फुलफिल होता है, आपको बेसिकली जो आपका पुट है वो आपको बाय कर लेना है, इन कौन सी स्ट्राइक बाय करनी है, जो भी पुट की रनिंग स्ट्राइक थी, राइट, PES, वो आपको बाय कर लेनी है। सेम वे हमने ये कॉल के लिए बनाया है रिपेयर कंटिन्यूस, जो सेकंड रिपेयर कंटिन्यूस है। आप रिपेयर कंटिन्यूस के अंदर जो ट्रेटन वाला अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने यहाँ पर जो नंबरिंग दिया है वो रिपेयर वंस एंड रिपेयर कंटिन्यूस का सेम आता है, राइट? बिकॉज हमने यहाँ पर रिपेयर वंस सिर्फ एक बार यूज किया है, यानी रिपेयर कंटिन्यूस आपको यहाँ पर देना चाहिए RC 13, इस तरह से कुछ नंबर देना चाहिए, बिकॉज ये रिपेयर कंटिन्यूस 2 है, तो आपको यहाँ पर 12 देना चाहिए, 13 की जगह। सो नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, सो नंबरिंग पे मत जाइएगा, आपकी ये रिपेयर कंटिन्यूस सेकंड कंडीशन ही है, मैंने देखो यहाँ पर लिखा भी है। सो इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, अभी आपका कॉल प्रेजेंट होना चाहिए ट्रेड में, इसकी क्वांटिटी माइनस 15 इनटू मल्टीप्लायर होनी चाहिए, सो वो आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। फिर सेम चीज, अगर स्ट्रेंगल है तो अगर आपका पुट का SL हिट होता है तो आपको कॉल में से एग्जिट करना है, राइट? एंड अगर स्ट्रेडल या इन्वर्टेड स्ट्रेंगल है, ये वाली कंडीशन, तो फिर आपको कॉल के SL हिट होने पर ही आपको कॉल एग्जिट करना है। कॉल का जो भी एंट्री प्राइस था, वहां से अगर कॉल का प्राइस 25% अप चला जाता है, तो अब ये जो कॉल एंट्री प्राइस एंड पुट एंट्री प्राइस दोनों चेंज होता रहेगा, ये स्टैटिक नहीं है। अगर आपने वो स्ट्रेटेजी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा है तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा, एंड अभी आगे मैं समझाऊंगा आपको, राइट? सो ये भी सेम हो गया, सो यहाँ पर भी सेम होगा, ये RC फर्स्ट था, ऐसे ही RC सेकंड, सो यहाँ पर भी, राइट, फर्स्ट RC की तरह ही है, लेकिन ये कॉल के लिए है, सेकंड RC आप कॉल एग्जिट के लिए बेसिकली। सो सपोज आपने कॉल या पुट दोनों में से कोई एक एग्जिट कर दिया, तो आपको वापस कोई नया कॉल या पुट भी सेल करना पड़ेगा, राइट? तो सपोज आपने 100 rupees वाले कॉल पुट सेल किए थे, अभी वो आपका स्ट्रेंगल था, एंड जैसे ही सपोज आपका पुट का वैल्यू 125 हो जाता है, सो कॉल का जो भी वैल्यू चल रहा होगा 80, 90, 70 जो भी होगा, आपको बेसिकली उसमें से एग्जिट हो जाना था, बिकॉज स्ट्रेंगल के टाइम पे ऑपोजिट लेग का SL हिट होता है, तो आपको जो प्रॉफिट वाला जो लेग है उसको एग्जिट करना होता है। सो यहाँ पर आपका पुट का SL हिट हुआ, यानी कि आपको कॉल में से एग्जिट होना है। सो नाउ अभी क्या है, जैसे ही इस तरह का कोई भी सिनेरियो बनेगा, फर्स्ट थिंग आपका जो ये पुट का अभी प्राइस चल रहा है वो आपका नया PEP हो जाएगा, यानी कि पुट एंट्री प्राइस। सो अभी अगर पुट का SL मेरे को कैलकुलेट करना है, सो 125 इसका एंट्री प्राइस करना पड़ेगा, इसका 25% अगर प्राइस अप हो जाता है इस प्राइस से, तो ये हमारा SL होगा 25%। सो ये आपका फर्स्ट चीज़, ये काफ़ी लोगों को डाउट था कि एक्चुअली में आपका पुट का SL हिट हुआ है, लेकिन पुट का क्यों नहीं एग्जिट किया, तो ये इसलिए है, जब तक स्ट्रेंगल है आपको जो लॉस मेकिंग लेग है उसको एग्जिट ही नहीं करना। अगर वो स्ट्रेडल में कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेंगल एडजस्टमेंट्स के बाद, तो ही आपको जो भी लेग में आपको लॉस चल रहा है उसको एग्जिट करना है बेसिकली। सो अगर मार्केट डाउन होता ही जाएगा, एंड अगर ये पुट का प्राइस अप अप होता जाएगा, तब भी अगर जब तक ये स्ट्रेंगल से स्ट्रेडल में कन्वर्ट नहीं होता, आपको पुट को एग्जिट नहीं करना है बेसिकली, राइट? सो ये फर्स्ट थिंग, कि जैसे ही आपका एडजस्टमेंट होता है उस टाइम पे अगर पुट का प्राइस जो भी चल रहा होगा LTP, वो आपका नया पुट एंट्री प्राइस हो जाएगा, एंड वहां से आपको 25% कैलकुलेट करना है पुट के लिए। सेम वे में पुट का प्राइस अभी 125 चल रहा है, सो आपने जो 80 rupees या 90 rupees वाला या 70 rupees वाला जो भी कॉल सेल किया, कॉल एग्जिट किया जो पुराना वाला था, अभी आपको नया कॉल सेल करना होगा, वो कौन सा वाला करोगे? अभी जो पुट का प्राइस चल रहा है उसके अराउंड वाला, यानी कि 125 के अराउंड वाला जो भी कॉल होगा वो आपको सेल करना है, एंड उसका भी 25%, दोनों में से किसी का भी 25% SL फर्स्ट हिट होगा तो आपको सेकंड एडजस्टमेंट करना होगा। तो जैसे कि आप जानते हो 125 का 25%, यानी कि 156.25 अराउंड वाला प्राइस, सो आपका नया SL ये है। तो सपोज अभी हम लोग स्ट्रेंगल में ही है, अभी हम लोग स्ट्रेडल में कन्वर्ट नहीं हुए, राइट? एंड आपका पुट या कॉल में से दोनों में से किसी एक का प्राइस 156 चला जाता है, मान लो अभी कॉल का प्राइस 156 चला गया, एंड पुट का प्राइस जो 125 था फर्स्ट एडजस्टमेंट के टाइम, वो अभी हो गया वापस 100, राइट? सो अभी आपको कॉल में बने रहना है, क्योंकि अभी के लिए लॉस मेकिंग लेग वो है, सो आप अभी पुट को एग्जिट करोगे जो कि 100 पे है, राइट? अभी कॉल का नया CEP क्या होगा, एंट्री प्राइस 156, सो अभी हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे 25% SL, वो 156 का 25% SL हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, हमने जो पुट एग्जिट किया पुराना वाला, सो हम लोग वापस 156 वाला पुट जो प्रीमियम सेम होगा वो हम लोग सेल करेंगे। सो अभी हमारा कॉल एंड पुट का जो डेल्टा होगा अप्रॉक्स न्यूट्रल हो गया होगा। थीटा गेनर ने ये वीडियो में डेल्टा के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं बताया, प्रीमियम के बेस पे बताया है, लेकिन मोटा मोटी सेम ही रहेगा, बिकॉज प्रीमियम सेम है तो डेल्टा अराउंड सेम रहेगा, राइट? सो अभी आपका PEP क्या है, 156, एंड अभी आपका CEP भी नया 156 हो गया। सो जब तक स्ट्रेंगल है तब तक आपको लॉस वाला लेग एग्जिट नहीं करना, प्रॉफिट वाला लेग ही एग्जिट करते रहना है,
राइट। एंड जैसे ही सपोज आपका स्ट्रेडल में कन्वर्ट हो गया, तब आपको जो भी लॉस वाला लेग है वो एग्जिट करके जो प्रॉफिट वाला लेग है उसके साथ जो प्रीमियम आपको मैच करना है, तो बेसिकली स्ट्रेडल में से वो वापस स्ट्रेंगल हो जाएगा, राइट। काफी बेसिक चीजें ये, तो इसके लिए आपको ऑप्शन की नॉलेज होनी जरूरी है ट्रेडरों के नॉलेज से ज्यादा। सो ये जो रिपेयर कंटिन्यूअस थर्ड है, एंड जो फोर्थ हम लोग यूज करने वाले हैं वो हम लोग रीसेलिंग के लिए है, राइट। जो नया लेग है वो सेल करने के लिए यूज करने वाले हैं। सो उसका तो रूल सेम है कि जो भी अपोजिट रनिंग लेग है उसके साथ प्रीमियम मैच कर दो आप, चाहे वो आपने प्रॉफिट में क्लोज किया था अपोजिट लेग या लॉस में क्लोज किया था, उसके साथ उसका कोई लेना देना है नहीं नई एंट्री का। सो आप यहाँ पर भी देख सकते हो जो भी अपोजिट लेग चल रहा है, अभी हमें कॉल की एंट्री करना है तो अपोजिट फुट का जो भी अभी एलटीपी चल रहा होगा उसके अंदर हमें एंट्री करना है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, मिस्टर थीटा गेनर ने उसके वीडियो में बोला है इस स्ट्रेटेजी के दैट आपका कोई भी लेग आईटीएम नहीं होना चाहिए। सो मैक्सिमम आपका स्ट्रेडल बनना चाहिए स्ट्रेंगल में से, इन्वर्टेड स्ट्रेंगल नहीं बनना चाहिए, उनका ये रिक्वायरमेंट था। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो का देख लीजिए, मैंने जो अपलोड किया था सबसे पहला वाला। सो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये स्ट्रेडल में ही एंटर होगा स्ट्रेंगल में नहीं होगा, सो उसके लिए मैंने यहाँ पर मैक्स कीवर्ड का यूज किया है। सो अभी हमें कॉल की स्ट्राइक में एंटर होना है, यानी कि अभी कोई एक पुट रनिंग है, इसका मतलब ये हुआ सपोज 45,000 वाला पुट अभी ट्रेड में है, राइट। सो मैक्सिमम मुझे 45,000 का कॉल में एंटर होना है या फिर उससे ऊपर वाला, यानी कि 45,000 से ऊपर वाला कोई भी हो सकता है, 45,100 हो सकता है, 200 हो सकता है, राइट, इसके अलावा। लेकिन मुझे 45,000 के नीचे का कोई भी कॉल सेल नहीं करना, अगर मैं करता हूँ तो वो इन द मनी हो जाएगा एंड इन्वर्टेड ट्रायंगल हो जाएगा आपका, राइट। सो मुझे 44,900, 800 ऐसा कोई मुझे स्ट्राइक सेल नहीं करना, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। सो मैक्स कीवर्ड हमें कैसे यूज में आएगा इसमें, दैट या तो आपका जो गेट रन टाइम नंबर पी एस है पुट की स्ट्राइक, विच इज हमारे एग्जाम्पल में 45,000, राइट, या तो ये स्ट्राइक आप सेल करो, बिकॉज ये हम लोग स्ट्राइक के एफेक्ट्स में यूज कर रहे हैं। सो या तो ये स्ट्राइक सेल करो, या फिर अभी जो पुट का प्राइस चल रहा है वो सेम प्राइस का कॉल आप ढूंढो, यानी कि सपोज अभी पुट का प्राइस 150 चल रहा है, सो 150 रुपीज वाला जो भी कॉल है, राइट, प्रीमियम वाला जो भी कॉल होगा उसकी जो स्ट्राइक होगी, इन दोनों स्ट्राइक में से जो भी स्ट्राइक का वैल्यू ज्यादा आएगा वो आपको सेल करना है। सो सपोज आपका 150 रुपीज वाला जो कॉल है प्रीमियम, उसका स्ट्राइक है अभी 45,400, एंड आपका जो पुट का स्ट्राइक है अभी चल रहा है पुट, वो है 45,000 पे। सो वो ऑब्वियसली इसको सेल करेगा बिकॉज आपको मैक्स वैल्यू चाहिए, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपको चाहिए। लेकिन लेकिन सपोज आपका जो पुट है उसका प्राइस है 200, राइट, एंड वो जो आपकी स्ट्राइक है 200 प्रीमियम वाला कॉल अगर आप ढूंढोगे एंड उसकी अगर आप स्ट्राइक देखोगे, तो अगर वो 44,900 है, राइट, अभी जो पुट का वैल्यू है वो सेम प्रीमियम वाला अगर आप कॉल ढूंढने जाओगे एंड उसकी अगर स्ट्राइक 44,900 है, बट पुट की जो स्ट्राइक है वो है 45,000, राइट। सो अभी इन दोनों में से ज्यादा कौन सा वैल्यू है, ऑब्वियसली 45,000। सो आप इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेडल में ही बने रहोगे, इन्वर्टेड स्ट्रेंगल में आप चाहोगे ही नहीं, बिकॉज आप जो कॉल है वो आप आईटीएम कभी सेल ही नहीं करने वाले, बिकॉज आपका जो मैक्स जो वैल्यू है वो पुट का स्ट्राइक है। सो या तो वो पुट का स्ट्राइक वाला सेल करेगा या फिर उससे ऊपर वाला सेल करेगा कोई भी कॉल, राइट, वेरी इजी। सो ये हमने कॉल सेलिंग के लिए देखा। अभी इसका एंट्री कंडीशन भी एक बार देख लेते हैं, ये हमने पोजीशन बिल्डर देखा। सो आपको कॉल कब सेल करना है, जब कॉल की नेट क्वांटिटी जीरो हो गई हो, राइट। सो आपको अगर याद है तो हमने रिपेयर वंस के अंदर हमने रन टाइम वैल्यू स्टोर किया था सीई का, यानी कि वो जो कॉल का इंस्ट्रूमेंट था वो उसने स्टोर कर लिया था, इंस्ट्रूमेंट जो भी था। सो वो इंस्ट्रूमेंट की नेट क्वांटिटी अगर जीरो है उस कॉल की, तो ही आपको नया कॉल सेल करना है। सो ये आपका फर्स्ट। सेकंड, आपका जो रिपेयर कंटिन्यूस वाला जो भी काउंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सो ये मैंने क्यों यूज किया होगा, थोड़ा सा गेस कीजिए। सो जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोग जैसे ही हेज बाय करेंगे, आपका सी का नेट क्वांटिटी जीरो होगा उस टाइम पे। तो काफी बार ट्रेक्ट्रॉन अगर आरओ रिपेयर वंस रिपेयर कंटिन्यूस जो फर्स्ट सेकंड है वो उसने स्किप कर दिया, काफी बार ऐसा होता है, तो डायरेक्टली रिपेयर कंटिन्यूस थर्ड पे चला जाएगा एंड वो चेक करेगा कि नेट क्वांटिटी ऑफ कॉल तो जीरो है, तो वो वापस सेल करता रहेगा, लूपिंग में चला जाएगा। सो लूपिंग को प्रिवेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये यूज किया है। एंड दूसरी चीज, पुट का अभी नेट क्वांटिटी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हम लोग जो नया कॉल सेल करने वाले हैं वो अपोजिट जो पुट लेग है उसके प्रीमियम के साथ मैच करके हम लोग सेल करने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए हमें चाहिए कि अपोजिट जो पुट का लेग है वो भी जीरो ना हो। सो ये आपकी
काफी बेसिक कंडीशन है एंट्री कंडीशन नया वाला री एंट्री के लिए, राइट। एंड जैसे ही आपका नया कॉल में एंट्री होता है वो तो ऑब्वियस है कि आपको वापस जो आपके जो रन टाइम्स थे उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। तो अभी ये रिपेयर कंटिन्यूस कौन सी है, थर्ड वाली रिपेयर कंटिन्यूस है। आप यहाँ पर मत जाएगा नंबरिंग पे, ये फेक नंबरिंग है, इसके अंदर काफी दिक्कत है। सो रन टाइम में आपको वापस वो जो सीई यानी कि इंस्ट्रूमेंट आपको वापस फेच करना है, रिपेयर कंटिन्यूस इंस्ट्रूमेंट निफ्टी बैंक 131 बिकॉज ये आपका थर्ड रिपेयर कंटिन्यूस है। उसकी स्ट्राइक आप फेच का स्टोर कर लो एंड उसका जो एंट्री प्राइस है वो आप फेच कर लो रिपेयर कंटिन्यूस प्राइस से। एंड अगेन जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे ही आपका न्यू एंट्री होता है आपका जो पुट का लेग था उसकी भी आपको एलटीबी फेच करनी है, इसका जो रनिंग लेग है, राइट। अभी आप लोग 156 वाले कॉल में एंटर हो रहे हो तो इस टाइम पे पुट का भी वैल्यू 156 होगा। सो इसका 25% एसएल आपको यहां से कैलकुलेट करना है पुट का भी, जैसे कि कॉल का भी आपको करना है तो आपको पुट की वैल्यू जो अभी रनिंग है वो भी आपको यहां पर फेच कर लेनी है, राइट। पी उसको आपको दे दो। सो अभी पुट का नया एंट्री प्राइस कंसिडर करेगा ट्रेडट्रोनिक्स को 156 को। सो वेरी इजी, सेम वे में आपको पुट का न्यू एंट्री के लिए चाहिए, अभी पुट का नेट क्वांटिटी 0 होना चाहिए, कॉल का नेट क्वांटिटी 0 नहीं होना चाहिए। एंड आपका पुट का रिपेयर कंटिन्यूस काउंट शुड नॉट बी 0 बिकॉज एक बार आपने बाय कर लेना चाहिए रिपेयर कंटिन्यूस सेकंड में से, सॉरी रिपेयर कंटिन्यूस फर्स्ट, आप जो पुट का एग्जिट के लिए रिपेयर कंटिन्यूस फर्स्ट यूज कर रहे हो तो ये एक बार ऑलरेडी हो जाना चाहिए, राइट। एंड अगर ऐसा होता है सो आपको अभी यहाँ पर आपको मिनिमम यूज करना है पुट के लिए। सपोज अभी कॉल का रनिंग स्ट्राइक 45,000 है, राइट। सो आप अगर मिनिमम यूज करोगे तो क्या है, या तो कॉल का रनिंग स्ट्राइक यानी कि ये वाला, या फिर अभी जो कॉल का प्राइस चल रहा है उसको साथ प्रीमियम आप मैच करके सेम स्ट्राइक वाला पुट आप सेल करो, राइट। सो या तो 45,000 वाला कॉल सेल करो या फिर उससे नीचे की स्ट्राइक वाला कोई भी पुट सेल करो, या तो 45,000 वाला पुट करो सेल आप, या फिर मिनिमम यानी कि दूसरा कोई ऐसा पुट की स्ट्राइक सेल करो जो कि 45,000 से नीचे चल रहा है, राइट। तो ही ये या तो स्ट्रेडल में या फिर स्ट्रेंगल में बना रहेगा, इन्वर्टेड स्ट्रेंगल में कन्वर्ट नहीं होगा। सो बेसिकली आपको 45,000 से ऊपर अगर आप जाओगे सो आपका पुट इन द मनी हो जाएगा, वो आपको होने नहीं देना, वेरी इजी, राइट। सो डन, आपकी स्ट्रेटेजी तो कंप्लीट हो गई। फिर से आपको यहाँ पर जो भी लेग्स है उसको स्टोर कर देना है, आपका जो पुट का इंस्ट्रूमेंट है ये फोर्थ रिपेयर कंटिन्यूस है तो यहाँ पर 141 बनाएगा उसकी स्ट्राइक, राइट। रिपेयर कंटिन्यूस 141 की स्ट्राइक, रिपेयर कंटिन्यूस 141 की प्राइस, एंड अभी जो आपका कॉल रनिंग है ऑपोजिट वाला उसका अभी जो प्राइस चल रहा है वो उसको सी पी आर कर दो। सो अभी क्या है, ये रिपेयर कंटिन्यूस थर्ड एंड फोर्थ से आपका कंटिन्यूस सेलिंग होता रहेगा, रिपेयर कंटिन्यूस 1 एंड 2 जो है उससे आपका कॉन्स्टेंटली बाइंग भी होता रहेगा, जो भी लॉस मेकिंग लेग है या फिर प्रॉफिट वाला लेग है उसको एग्जिट भी होता रहेगा। तो ये कंटिन्यूस लूपिंग में चलता रहेगा स्ट्रेटेजी, इट्स वेरी इजी। दूसरी एक चीज़ हमने एग्जिट में क्या डाला है, सो जैसे कि आप लोग जानते हो बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है 15 का, राइट। सो ये कंडीशन क्या चेक करेगा कि लास्ट जो 500 रुपीज का प्रॉफिट है वो मुझे नहीं चाहिए, एक्सपायरी डे पे ये काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कि आप लोग जानते हो कि एक्सपायरी डे पे आफ्टर 1:30 या 2 o'clock गामा मूव आने के चांसेस है। सो आखिरी के 500 रुपीज़ का प्रॉफिट लेने आप अगर जाओगे तो उसके अंदर आप रिस्क भी बढ़ा ले रहे हो। सो इसका मतलब ये है कि सपोज LTP ऑफ कॉल एंड पुट, सो आप मान लो कि दोनों का 25-25 अभी LTP चल रहा है कॉल एंड पुट का, सो टोटल प्रीमियम हो गया क्या हो गया 50 हो गया, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो लॉट साइज से, सो आपका लॉट साइज क्या है 15 का, सो इसका वैल्यू आएगा 750। सो अभी आप एग्जिट नहीं करोगे लेकिन जैसे ही इसका वैल्यू 500 से नीचे चला जाएगा, यानी कि कोई एक लेग एंड दूसरा लेग दोनों का जो आप कंबाइन करोगे दोनों का कॉल एंड पुट का उसका जो वैल्यू है वो 500 से नीचे चला जाएगा लॉट साइज से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपको एग्जिट। सो बेसिकली आपको लोअर प्रीमियम्स में वर्क नहीं करना, सो ये आपको हेल्पफुल होगा लास्ट के जो आधा घंटा एक घंटा है उसके अंदर आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज लास्ट का जो 500 का प्रॉफिट है वो आप जाने देने को तैयार हो। एंड ये वाला जो है अगर आपका हेज का स्ट्राइक है, किसी एक हेज का स्ट्राइक आपका सेलिंग लेग पे स्ट्राइक मैच कर गया तो भी आपको एग्जिट कर देना है। एंड ये एग्जिट कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा आपने यहाँ पर और यूज़ किया है, आप री एंट्री नहीं करोगे बिकॉज आपने री एंट्री के लिए डाला हुआ है फर्स्ट कंडीशन दैट काउंट शुड बी 0, आपका अभी कोई भी ट्रेड नहीं होना चाहिए। सो ये री एंट्री नहीं करेगा एंड ऑटोमेटिकली जो आपका यूनिवर्सल एग्जिट टाइम होगा उस पर वो एग्जिट कर जाएगा, राइट। ये वाला 3:19 पर अगर सपोज इन सब में से एग्जिट कंडीशन नहीं होता ट्रिगर, तो यहाँ पर हमने एसएल डाला है -875 का। ये बेसिकली आपका मैंने कैपिटल रिक्वायरमेंट 1 lakh कंसिडर किया है, सो इसका 0.87% होता है आपका एसएल। एंड आप अगर स्लिपेज का भी काम करोगे तो ये ऑलमोस्ट आपका 1% तक हिट हो जाएगा लाइव में, राइट। सो ये आपका 1% का एसएल आपने रख दिया, आपका जो टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड है पर 1x मल्टीप्लायर।
एंड अगर आपका प्रॉफिट ऑलरेडी 1.5% का चल रहा है अभी, उसके ऊपर चला गया था, तो फिर बाद में उसको लॉस में कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, लॉस में क्लोज करने का स्ट्रेटेजी का कोई मतलब नहीं है। सो जैसे ही आपका 1.5% प्रॉफिट अचीव हो जाता है मैक्स प्रॉफिट से, एंड फिर अगर डिफरेंस जो है 375 से ज्यादा होता है मैक्स प्रॉफिट एंड अभी जो रनिंग प्रॉफिट है उसका, तो भी आप एग्जिट कर जाओगे। सो इसका बेसिकली मतलब ये है, जैसे ही आपका 1500 का प्रॉफिट अचीव होता है, आपको जो ट्रेलिंग एसएल होगा वो आपने रख दिया 1125 है। सो आप मैक्सिमम इतने तो घर लेके जाने वाले हो प्रॉफिट पर 1x मल्टीप्लायर, राइट? तो आपका मल्टीप्लायर अगर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा। एंड जैसे जैसे यहाँ से मैक्स प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, सपोज 2000 हो गया आपका मैक्स प्रॉफिट, सो आपका जो TSL होगा वो होगा राइट 1625। इस तरह से ये वर्क करेगा। एंड अगर वापस प्रॉफिट 2000 से अगर 1625 पे चला गया तो आप एग्जिट कर जाओगे स्ट्रेटजी से। सो बेसिकली आप 1% का रिस्क लेने का तैयार हो अपने कैपिटल रिक्वायर्ड पे, एंड अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आप उसको ट्रेल भी करते जाओगे। ये जो मैक्स प्रॉफिट वाला जो कंडीशन है, मैक्स लॉस वाला, वो आप जैसे कि जानते हो, हम लोग आज के दिन में कितना इस काउंटर के अंदर मैक्स प्रॉफिट गया था, कितना लॉस तो गया था, वो सिर्फ वैल्यूज जानने के लिए है रन टाइम के अंदर, दूसरा कुछ इसमें है नहीं। अभी आ जाते हैं लिमिट ऑर्डर जो था। सो ये वर्जन है वो लिमिट ऑर्डर वाला वर्जन जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मार्केट में तो कुछ समझाने जैसा है नहीं। सो ये जो एडवांस सेटिंग है वो कैसे वर्क करेगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो गया है। सपोज आपका एंट्री कंडीशन ट्रू हो गया, राइट, एंड आपको अभी ऑर्डर प्लेस करना है ब्रोकर टर्मिनल पे। सो मान लो आपको अभी कॉल में एंट्री करना है, एंड आपका ये जो स्प्रेड है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह का कुछ स्प्रेड दिख रहा है। कॉल का प्राइस अराउंड 99.900 के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा है अभी के लिए। इस सेकंड पे आप देख सकते हो कि अगर मैं पोज कर दूँ, पॉसिबल तो नहीं है, तो आपको ये स्प्रेड मिलेगा, राइट, बीड एंड आस्क जो आप स्प्रेड बोलते हो। यहाँ पर सब आपको बीड दिख रही है, ये आपका बीड प्राइस है एंड ये आपका आस्क प्राइस है। सो अगर आप मार्केट प्राइस यूज करते हो तो बेसिकली आपका 99.95 पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज आपको ऑप्शन बाय करना है। एंड अगर आपको सेल करना है एंड आप मार्केट प्राइस यूज करोगे, सो आपका 99.9 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा मार्केट प्राइस पे। अभी ये बेस्ट प्राइस क्या करेगा, कि सपोज अभी के लिए ये है एंड आपको सेल करना है, बट आपको बेटर प्राइस पे सेल करना है, सो वो लिमिट ऑर्डर रखेगा सबसे बेस्ट प्राइस कौन सी है, ये 99.95 वाली। सो ये ब्रोकर टर्मिनल पे 99.95 पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करेगा बेस्ट प्राइस, राइट। आप सीधा अभी जो यहाँ पर बीड, आपको सबसे बेस्ट बीड मिल रहे है उस पर आप सेल नहीं कर रहे, लेकिन आप आस्क प्राइस है उसी प्राइस पे, जो सबसे बढ़िया आस्क प्राइस है, सबसे ऊपर वाली जो आस्क प्राइस है, वहां पर आप अपनी लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो यहाँ पर 99.95 पे सेलिंग के लिए। सेम वे अगर आप बाइंग स्ट्रेटजी में यूज करोगे, सो आप अपना बाइंग का लिमिट ऑर्डर रख रहे हो यहाँ पर 99.9 पर, जो भी बेस्ट बीड प्राइस होगा वहां पर। फिर सपोज यहाँ पर मैंने प्राइस एक्सिक्यूशन टू में टाइम आउट रखा है 3 सेकंड का, यानी कि अगर आप 9:30 पे ये ऑर्डर प्लेस करते हो, राइट, जो भी आपका लिमिट ऑर्डर है ब्रोकर पे, सो वो 3 सेकंड तक वेट करेगा, 3 सेकंड तक वेट करेगा कि अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होएगा, सो यहाँ पर मैंने रिविजन अटेम्प्ट रखा है 1 एंड इंक्रीज बाई 300। सो इसका क्या मतलब हुआ, 300 टिक्स है ये। सो एक टिक जो होता है वो 0.05 का होता है बैंक निफ्टी में ऑप्शन के अंदर, राइट। सो 300 टिक का मतलब होता है ऑलमोस्ट 3 रुपीज का प्रीमियम। सो आप जैसे ही आपने ये लिमिट ऑर्डर रखा यहाँ पर, राइट, 99.9 पे या 99.95 पे, एंड आपके 3 सेकंड के बाद वो ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एंड प्राइस सपोज आपको बाइंग करना था तो प्राइस अब चला गया 100 के ऊपर चला गया, सो 3 सेकंड के बाद आप एक और बार लिमिट ऑर्डर रखोगे, जो आपका पुराना वाला लिमिट ऑर्डर था उसको मॉडिफाई करके, एंड वो आपका कौन सा वाला होगा, जो पुराना वाला था वो 99.9 का था, सो उसके अंदर आप 3 रुपीज ऐड कर दो, क्या आएगा, 102.9, राइट। सो आप एक और लिमिट ऑर्डर रखोगे दूसरा वाला 102.9 पे, एंड फिर वापस आप 3 सेकंड के लिए वेट करोगे। सो अभी टोटल टाइम कितना हुआ, 9:30 को आपने फर्स्ट ऑर्डर रखा था, एंड 3 सेकंड वेट करने के बाद 9:30:03 को आपने ये सेकंड ऑर्डर रखा 102.9 पे। भी मैंने यहाँ पर रिविजन अटेम्प्ट सिर्फ 1 रखा है, तो अभी जैसे ही 9:30:06 होगा, एंड अगर आपका ये जो लिमिट ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ 102.9 पे, तो फिर आप इसको मार्केट प्राइस का ऑर्डर जो भी चल रहा होगा मार्केट, चाहे वो 103 हो, 105 हो, 107 हो, आप उसको एग्जीक्यूट कर दोगे, राइट। सो ये स्लिपेज इसको अवॉइड करने के लिए है एक्चुअली, बिकॉज आप जानते हो कि थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन तो होता ही रहता है प्राइस में। सो मोस्टली आपका ये जो प्राइस एग्जीक्यूशन टाइप है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सो ये सारा का सारा मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। सो अभी आप चाहो तो अपने हिसाब से रिविजन आइटम्स में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो, ये जो टिक्स है उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। आपको कितने टाइम के लिए वेट करना है वो लिमिट ऑर्डर पुट करने के बाद, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, राइट। सो बेसिकली आपको सिर्फ
6 सेकंड के लिए वेट करना है लिमिट ऑर्डर पे, उसके बाद तो आप मार्केट ऑर्डर डालने ही वाले हो। सो अगर आपको ये डर है कि 6 सेकंड के अंदर मार्केट यहाँ से वहाँ चला जाएगा, तो फिर आप बेटर मार्केट प्राइस ही यूज़ करिए। ये एक्चुअली में आपको हेल्पफुल थोड़ा सा होने का चांसेस ज़्यादा है फिक्स ट्रेड में, बिकॉज आप 6 सेकंड के लिए तो ऐसे ही आपको लिमिट ऑर्डर पे ही रहने वाले हो, तो फिक्स ट्रेड अगर ऊपर जाकर वापस नीचे भी आ जाएगा तो आपका यहाँ पर लिमिट ऑर्डर पे ही एग्जीक्यूट होगा मोस्टली। मार्केट ऑर्डर पे चांस रहता है कि उसी सेकंड अगर आपका फिक्स ट्रेड हुआ है तो आप मार्केट ऑर्डर पे ऊपर के प्राइस पे आप एंटर करोगे एंड वापस प्राइस नीचे आ जाएगा तो आपको बिग लॉस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। 100% प्रिवेंट कुछ भी नहीं कर सकता फिक्स ट्रेड को, सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि आपको लिमिट ऑर्डर के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा चांस मिलेगा फिक्स ट्रेड से बचने का। सो ये फर्स्ट आपका जो एग्जीक्यूशन प्राइस का है वो हो गया। अभी सेकंड चीज, आपने यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन दिया है ट्रेडप्रो ने, दैट आपको एग्जिट करना है वो मार्केट प्राइस पे करना है या फिर एग्जिट के टाइम पे भी आपको यही जो एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करना है, राइट? सो मैंने तो यही सिलेक्ट किया है, सो इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है कि नो फॉलो प्राइस बीडिंग, यानी कि ये वाला जो है बेस्ट प्राइस वाला वो। लेकिन किसी को ऐसा है कि मुझे एग्जिट मार्केट पे करना है तो आप यहाँ पर ये रख दीजिए, राइट? मैंने यहाँ पर नो रखा हुआ है, ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि जो लोग इसको लाइव करना चाहते हैं, लाइव ऑर्डर करना चाहते हैं लिंक में से, सो उनको एग्जैक्टली पता हो कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, स्ट्रेटेजी को क्या करना चाहिए। अगर उस तरह से नहीं वर्क कर रहा, क्योंकि काफ़ी बार ट्रेडट्रॉन में दिक्कत होती है, सो तो आप थोड़ा सा मैन्युअली उसको कंट्रोल कर सको। सो दूसरी चीज़ है, यहाँ पर मैंने ट्रांचिंग यूज़ किया है। इसका क्या मतलब होता है कि सपोज अगर आप 1, 2, 3 लॉट में वर्क करने वाला तो कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप कोई ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय करने का यहाँ पर सोच रहा है, ज़्यादा मल्टीप्लायर पर स्ट्रेटेजी को वर्क करना चाहता है, तो थोड़ा सा स्लिपेज को एवरेज करने के लिए ये आपको हेल्पफुल होगा ट्रांचिंग। सो सपोज कोई 10x पे स्ट्रेटेजी रन करना चाहता है, बेसिकली उनको 150 क्वांटिटी बाय या सेल करनी है। अगर 1 लॉट आप 15 का कंसिडर करोगे, सो 115 क्वांटिटी आपको बाय या सेल करना है कॉल एंड पुट का, राइट? सो ट्रांचिंग क्या करेगा, इसको यहाँ पर मैंने ट्रांच साइज रखा है 33%, यानी कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो आप मोस्टली 45 45 एंड फिर जो लास्ट आपका जो 60 क्वांटिटी होगा वो आप बाय करोगे, बाय या सेल कुछ भी होगा। सो आप पहले 45 क्वांटिटी बाय या सेल करोगे, फिर आप 2 सेकंड्स के बाद दूसरी 45 क्वांटिटी बाय करोगे बाय या सेल, एंड फिर 2 सेकंड्स के बाद तीसरी जो आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी होगी 60 वाली वो आप बाय या सेल जो भी होगा वो करोगे, राइट? सो ये आपका ट्रांचिंग का जो कंडीशन है वो हो गया। सो वो टोटल क्वांटिटी चेक करेगा मल्टीप्लायर के हिसाब से, एंड यस यहाँ पर भी वो जब भी ये 45 का बीट करेगा फिर वो ये बेस्ट प्राइस तो आपको यहाँ पर भी हेल्पफुल होगा, राइट? सो बेसिकली किसी को अगर 150 क्वांटिटी बाय या सेल करनी है, सो सबसे पहले 45 क्वांटिटी का लिमिट ऑर्डर रखेगा बेस्ट प्राइस पे, राइट? फिर वो 3 सेकंड तक वेट करेगा ट्रेडट्रॉन, राइट? एंड वो जब भी वेट कर रहा है अभी 3 सेकंड तक, तब तक वो दूसरा ट्रांच का लिमिट ऑर्डर एक वापस प्लेस कर देगा 45 क्वांटिटी का 2 सेकंड के बाद, राइट? एंड उसके भी 2 सेकंड के बाद वो जो फाइनल जो क्वांटिटी है 60 उसका एक और लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देगा, राइट? इसके 2 सेकंड्स के बाद ये एंड इसके 30 सेकंड्स के बाद ये, यानी इंडिविजुअल जो आपका ट्रांच है ये एंड ये, वो ये जो प्राइस एग्जीक्यूशन वन जो मैंने यहाँ पर डाला है वो उसको फॉलो करेगा। डेट ये 45 क्वांटिटी सपोज 99.9 पे आपने लिमिट ऑर्डर डाला था, सो 3 सेकंड्स के बाद इसका लिमिट ऑर्डर डालेगा 102.9 पे, एंड उसके 3 सेकंड के बाद वो मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट कर देगा। ये जो 45 क्वांटिटी है उस टाइम पे सपोज मार्केट चल रहा था 102 पे ही, राइट? एंड उसके 3 सेकंड के बाद ये इसको 105 पे ऑर्डर डालेगा, अगर वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो मार्केट प्राइस पे डाल देगा। सेम वे में ये जो लास्ट 60 क्वांटिटी था उस टाइम पे सपोज मार्केट चल रहा था 100 रुपीज़ पे, सो वो 3 सेकंड के बाद 103 पे लिमिट ऑर्डर डालेगा और उसके 3 सेकंड के बाद मार्केट ऑर्डर डाल देगा। सो ये आपको एक्चुअली में बेनिफिशियल है अगर आप इसको अच्छे से यूज़ कर सको तो। सो अगर आप लिमिट ऑर्डर यूज़ कर रहे हो इस स्ट्रेटजी का, सो मैंने आपको इस तरह से एग्जीक्यूशन होगा वो मैंने आपको समझा दिया पूरी तरह से। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो इसके अगर मैं थोड़ा सा अलग से एक वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा कि अगर प्रॉपरली आपको समझना है तो, आई गेस मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया है। एंड अगर आप मार्केट प्राइस यूज़ कर रहे हो तो फिर ये कुछ दिक्कत है नहीं, LTP भी आप यूज़ कर सकते हो, एवरेज ऑफ बीडास, ये सारे के सारे जो भी है वो लिमिट ऑर्डर है ही मार्केट प्राइस के अलावा। एंड अगर आपको ट्रांचिंग नहीं करना तो आप 100%, सो इसी का स्ट्रेटेजी का जो मार्केट प्राइस वाला जो वर्सन है यहाँ पर ट्रांचिंग 100% है, सो वो इमीडिएटली जो भी आपका मार्केट प्राइस पे जितना भी क्वांटिटी होगा वो बाय या सेल कर देगा। एंड ये एग्जिट शॉर्ट फर्स्ट जो आपका जो यूनिवर्सल एग्जिट है उस टाइम पे अगर हेज एंड सेलिंग दोनों है, सो आप सबसे पहले सेलिंग वाला एग्जिट करोगे बाद में हेज एग्जिट करोगे। सो आई गेस दिस इज इट गाइस, आई होप मैंने आपको अच्छे से स्ट्रेटेजी इस तरह से कोड की है वो मैंने समझा दिया, सो दैट आपको भी अगर ऐसे ही कोई स्ट्रेटजी इन फ्यूचर कोड करनी है सिमिलर टाइप की जो मेथड है वो यूज़ करके, सो आप कर सकते हो। सो आई होप आपको ये जो एजुकेशनल वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, एंड मैं ऐसे सपोर्ट करते रहिए। सो हमें भी थोड़ा सा ऐसा लगे कि हम लोग जो इसमें टाइम दे रहे हैं वीडियोज़ बनाने में, स्ट्रेटजी समझाने में, उसका हमें थोड़ा सा रिवॉर्ड भी मिल रहा है, राइट? सो थैंक यू अगेन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।